इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो के 720वें उर्स के मुबारक मौके पर दरगाह परिसर में बहुत ही खुशगवार माहौल देखने को मिला। पूरा परिसर लाइटों से सजा हुआ था और जगह जगह कवाली और लंगर वितरित किया गया। इस मौके पर सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपनी अरदास लगाई और कवालियों का आनंद लिया और देश में अमन शांति के लिए दुआ भी की गई। उर्स के मुबारक मौके पर सर्व समाज दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निजामी द्वारा आयोजित खास आयोजन में राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, पेज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सचिव मोहम्मद इलियास सैफी, सीनियर जर्नलिस्ट मारूफ रजा मोहम्मद उवैस, जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के एडिटर जावेद रहमानी, फिक्की के सचिव सलीम अंसारी, प्रिंस ज्वेलर्स के डायरेक्टर बीबी चौहान, सैफुद्दीन शेख, नियाज मंसूरी, जावेद सिद्दीकी, रजिया शेख, शाकिर अंसारी, नूर मोहम्मद आदि समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी ख्वाजा अमीर खुसरो के दरबार में हाजिरी दर्ज कराई। मशहूर कव्वाल सूफी हमजा हयात व सूफी अतर हयात सूफी ब्रदर्स ने कव्वालियां पेश करके अपनी हाजिरी दर्ज कराई। सूफी हमजा हयात विश्व प्रसिद्ध गायक है और महबूब इलाही के दरबार में जरूर हाजिरी लगाते हैं और आज भी पूरी आस्था के साथ परफॉर्म किया और ताहिर सिद्दीकी सहित सभी मेहमानों ने हमजा हयात की कव्वालियों को खूब आनंद लिया। पाकिस्तान का डेलीगेशन आया था, 70 आदमी थे, 3 दिन के लिए आया था। पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से बाहर से लोग आ रहे हैं उस शरीफ के अंदर, कोने कोने से आए, हर मजहब और धर्म के लोग आते हैं दरबार शरीफ के अंदर। सभी दरगाह को मानते हैं और भाईचारा प्यार अगर देखिए तो दरबार में आके देखें, सब एक हैं लोग, कोई मजहब कुछ नहीं होता, सब भाईचारा एकता है सवाल। और एक हिंदू मुस्लिम सब मनाते हैं और वेजिटेरियन खाना और वेज नॉन वेज दोनों खाने होते हैं लंगर में रोज़ाना, तो दरबार में सब एक साथ बैठ के खाते हैं। ये आज हजरत का जो 720वां उर्स चल रहा है, ये यहाँ आकर देख रहा हूँ कि सब धर्मों के लोग यहाँ देखने को मेरे को आज यहाँ पे मिले, इससे अच्छा कोई पैगाम नहीं हो सकता दुनिया में। और यहाँ से जो संदेश जाता है वो जाता है देश को जोड़ने का। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर सबको देख करके, एक दूसरे के साथ सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खाना वगैरह सब यहाँ पे इंतज़ाम है लंगर का, माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पैगाम है देश के लिए, देश का दुनिया के लिए। हुजूर वाला, इस बात की सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते हैं कि ऐसे दरबारों से हमारे वाबस्तगी है। और दूसरी बात ये कि हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, है ना, तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर आने के बाद हमारी ज़िंदगी सलामत है, तो इससे बड़ा जन्मदिन, इससे बड़ा खुशी का इजहार क्या हो सकता है। और हज़रत अमीर खुसरो सरकार का जो आज ये जश्न उर्स मनाया जा रहा है, ये बाईस रहमत है और हज़रत महबूब इलाही का करम है कि हर मजहब मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सभी की मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ के जो सजादगान हैं, जो सैयद हैं, उनकी दुआओं से न जाने कितने फैज़याब हुए हैं, जिनमें एक हम भी हैं निज़ामी, जितने भी ताल्लुक़ रखते हैं सरकार से। और आज मेरे पास जो भी शोहरत इज़्ज़त है वो सब मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत की देन है। मैं ज़रूर सुनाऊँगा, तुम्हारे जैसा जमाने में कोई शाह नहीं, गदा नवाज कोई ऐसी बारगाह नहीं।
नियाजमंद यहाँ से उठे तो जाए कहाँ, तुम्हारे दर के सिवा अब कहीं पनाह नहीं। एक्चुअली प्रोग्राम चल रहे हैं कंटिन्यू और यहाँ की महफिल भी चल रही है, तो थोड़ा गला बैठा हुआ है, जो लोग देख रहे हैं मुझे बर्दाश्त कीजिएगा, और जो मैंने पेश किया है वो सब आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआएं मुझे मिलें और मेरी दुआएं, मेरी हाजिरी जो हो रही है आप सबकी कबूल हो, यही मेरी दुआ है। मीर खुसरो के दरबार में सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं और एकता का परिचय देते हैं, जो उन्होंने इस हिंदुस्तान को दिया है उस हिंदुस्तान की दी हुई विरासत को सभी धर्मों के लोग सजो के रखते हैं। और ये मैं कहूँगा कि जिस तरीके से हज़रत अमीर खुसरो की विचारधारा हिंदुस्तान के लिए थी, 720 साल हो गए उस विचारधारा को, आज सभी धर्मों के अंदर आज हमारे सिख भाई जी भी गुरचरण सिंह जी हैं, ये इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि इस तरीके के कि सभी धर्मों के लोग मिलके इस तरीके के बैठने चाहिए। जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं वो इस जगह पे आके देखें कि यहाँ पे कोई नफ़रत की जगह नहीं होती है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता, वो यहाँ पे देखने को। नूर इलाही अमीर खुसरो साहब का उर्स है और इसकी मुबारकबाद मैं तमाम भाइयों को दे रहा हूँ, और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट वो हमारे जाकिर खान भाई साहब को जाता है, जिन्होंने जो मुझे यहाँ पर लेके आए, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। यहाँ पर जो प्रेम देखने को मिला है और सभी धर्मों के लोग आपस में बड़े प्यार से नूरे इलाही खुसरो साहब को निज़ामुद्दीन दरगाह में याद कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है और मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और मैं ख़ास करके ये मुबारकबाद अपने भाई जाकिर खान को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये करके मेरे को यहाँ बुलवाया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस तरह के उर्स आपस में भाईचारा एकता का प्रतीक है, मनाए जाने चाहिए और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। ये हजरत अमीर खुसरो साहब का 720वां उर्स है। इस मुबारक मौके पर मैं सभी अहले अवाम को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि हजरत अमीर खुसरो ने जो पैगाम दिया उस पैगाम पर अमल करें। हजरत अमीर खुसरो का जो पैगाम था, हजरत अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, शागिर्द थे, और ऐसा मुरीद और ऐसा शागिर्द का पैगाम हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिया कि अगर किसी को मुझसे मिलना हो तो कम से कम मेरे मुरीद यानी मेरे शागिर्द से मिलकर मेरे पास आए। और ऐसा ही हजरत अमीर खुसरो ने वो दिया कि जब तक अपने मुरीद अपने पीर से कोई इजाज़त नहीं लेते थे, कोई काम नहीं करते थे वो। तो आज की दुनिया को ये समझना चाहिए कि उस्ताद और शागिर्द का और बड़ों और छोटों का एहतराम अगर सीखना हो तो हजरत अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब से सीख ले।